वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो लास्ट वीडियो में हमने ये असम्बली क्रिएट की है, ठीक है। इस असम्बली में अभी जो है हमारी कोडिंग बाकी है, ठीक है। और उस कोडिंग से पहले हमें यहाँ पे ये जो असेंबली पॉइंट है जो हमने ऑफसेट क्रिएट किए हैं और ये वाली जो लेन है, यहाँ पे हमारा कोई कोड नहीं है, ठीक है। तो वो कोड हम कैसे बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये असेंबली के साथ ही अभी कंटिन्यू वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे टूल पैलेट्स में जेनरिक में अगर आप सबसे नीचे हैं तो यहाँ पे एक मार्क पॉइंट है, मार्क पॉइंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपकी असेंबली में कहीं भी कोई कोड मिसिंग है, बाय डिफॉल्ट सिविल 3D असेंबली में कुछ कोड होते हैं जो नहीं गिवन होते, और अगर आपको वहाँ पे अपना कोई सेटिंग आउट पॉइंट चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट चाहिए, एलिवेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप या फीचर लाइन आपने क्रिएट करनी है तो आप मार्क पॉइंट की मदद से वो चीज़ आप अपने क्रॉस सेक्शन में हासिल कर सकते हैं, असेंबली में या प्लान रूल में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से मार्क पॉइंट ले रहा हूँ। जैसे मैंने मार्क पॉइंट दिया है तो मुझे इंसर्शन पॉइंट पूछा जा रहा है, रिप्लेस डी अटैच, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमें मार्कर पॉइंट चाहिए वो हमें सेंटर लाइन का चाहिए, कि हमारे सेंटर लाइन पे अगर हमें कुछ पॉइंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, सेक्शन में हमें सेंटर लाइन भी रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर मार्क पॉइंट लगाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राई एंगल क्रिएट हुआ है। तो मैं पहले सारे मार्क पॉइंट जो है वो प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे। एक मार्कर पॉइंट हमारा लग गया है, ठीक है। अभी हमें इस असेंबली पर चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्राई एंगल शो हो गया है, ओके। अभी हमें जो मार्कर पॉइंट चाहिए वो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर भी लग गया मार्कर, ओके। अभी जो मार्कर पॉइंट बाकी है हमारा वो इस असेंबली का बाकी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मार्कर आ गया है। अभी ये मार्कर का पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमने इसका एक कोड देना है, जो पार्टिकुलर हमारी अलाइनमेंट का नेम है हम इसको वही कोड देंगे, ताकि हमारा जो पॉइंट जनरेट होगा उसके साथ हमारा अलाइनमेंट नेम आ जाए, तो हमें ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हमारा पॉइंट कौन सा है। मैं इस असेंबली की प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, ये हमारा सेंटर लाइन का पॉइंट है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका नेम मार्क पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये ड्राइंग में हमारे पास एक ही है तो इसका कोड बाय डिफॉल्ट मार्क पॉइंट ही आता है, हमारे ये मल्टीपल हैं इसलिए हमें इसके कोड चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बेस लाइन का कोड दे रहा हूँ, बेस लाइन, बेस सेंटर लाइन, बेस सेंटर लाइन, ओके। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट जो है मार्क पॉइंट लिखा आ रहा था, तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम कोड जो है पेस्ट कर सकते हैं, मगर ये जस्ट नेम के लिए है, यहाँ आप इसको नन भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका बाई डिफॉल्ट जो स्टाइल आता है वो ट्राई एंगल का आता है, अगर हम इसका कोई कोड वगैरह चेंज कर देते हैं तो ये बाद में सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सबकी, ठीक है, कि ये कैसे आते हैं, ओके, कैसे शो होते हैं। अभी हम इसको वन बाई वन जो है वो कोडिंग दे देते हैं। तो ये मेरा मार्क पॉइंट है, ओके, इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, ओके। अभी आप देखें ये ट्राई एंगल है, जैसे ही मैं इसको इसका कोड चेंज करूँगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया है, अभी ये जो हमारी अलाइनमेंट है ये जो मार्कर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ये इस सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि FRT है। तो मैं इसको लिख देता हूँ FRT सेंटर लाइन, ओके। और यहाँ पे मैं इसको सेम इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, अप्लाई और ओके करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया है आप देख सकते हैं ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। अभी हमने नेक्स्ट वाले जो हमारे बाकी हैं इनको हमने कोडिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये ट्राई एंगल है,
है, जैसे ही हम इसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एच एस आर है, इसको मैंने कॉपी किया, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप लोग देखते हैं ये ट्राइंगल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्लाई, ये देखिए ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मार्क पॉइंट, ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, और इस ट्राइंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ जो हमारा मार्कर पॉइंट है, और ये हमारा जीएमटी का सेंटर लाइन है। जीएमटी सेंटर लाइन है। ओके, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अप्लाई। ओके, तो ये थे हमारे मार्कर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है अभी एक पॉइंट कोड जो मिसिंग आएगा वो ये कोड है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें मार्कर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे भी इसको प्लेस करता हूँ। बाय डिफॉल्ट असेंबली में यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। असेंबली, असेंबली प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारा जो पॉइंट है ये, इसको मैं डिच बैग का कोड दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको रख सकते हैं। ओके, डिच बैक 1.5 मीटर। ओके, एक पॉइंट हमें और चाहिए, यहाँ पे हमें एक पॉइंट चाहिए। ओके, पॉइंट आ गया हमारा, एंटर। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ असेंबली प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं इसको सेम नेम देता हूँ। ओके, तो ये हमारे जो मार्कर पॉइंट है वो भी लग गए, जो हमारे पास कोड मिसिंग थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ठीक है, यहाँ पे जो कोड है हिंग का कोड आ रहा है, पॉइंट कोड। ओके, यहाँ पे जो है हमारे पास अनकोडेड आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो अनकोडेड आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास इस लिंक का कोड है, ठीक है। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करके ब्रिंग टू फ्रंट करूँ तो यहाँ पे इसका कोड हमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, जैसे ही हम लोग अपने कोड इसमें प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमारी जो कोडिंग है वो पूरी की पूरी जो है इसमें आ जाएगी। तो ये था कि अगर आपके पास असेंबली में कहीं भी कुछ कोड मिसिंग है और आपको वो पॉइंट रिक्वायर्ड हैं अपने सेटिंग आउट के लिए, या आपके डाटा के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं जब आप क्रॉस सेक्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत होती है। बाय डिफॉल्ट समटाइम इसमें नहीं गिवन होते हैं सिविल 3D की असेंबली में, तो वो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।